हैं? दिल्ली में ट्रक उलट गया? अरे ई का, हम तो अखबार उल्टा पकड़े हैं, ट्रक तो सीधा है। राम राम हैंडल प्रसाद। अरे कौन है रे? ओटी में जाकर कहो कि धोबी आए हैं। ओ अरे ओ संतिया, आ, 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 आ। मिलिन से कहते हैं धोबी आए हैं, जैसे ससुरे धोबी ना हुए बिल क्लिंटन साहब हो गए। आए? ये 56 छुरी कौन है? गजब है गजब। ए? 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 चुप माधुरी, तू अंदर जा, इसकी मुच्छी फड़फड़ा रही है। ए यू डैम फूल बास्केट, धोबनिया को पता चल गया ना तो तेरी मुच्छी पे कलफ लगाई के गरम लोहा फेर देगी। खफा ना हो राजा। राजा? अरे कोठी के खुशहाली में इस धोबी को भी कुछ दारू सारू मिल जाए तो। अबे चुप, ससुरा कोई मैनरबा ही नहीं, हमार फैमिली के सामने हमको राजा राजा बोले जा रहा है, यू पुलिसमैन। अंग्रेजी ना छोको राजा, हमरी दोबनिया नौ बच्चन की मातारी है, मुला आज भी जालिम लोसन को हम राजा कहते हैं। अरे तुमरा तो शुरू भी नहीं हुआ। तू काहे कोई के मुंह लगता है, जिस तरह हम इस घर की परजा है, ई भी तो है। ई ले अपना 50 रुपया, माँ जी दे गई थी, खुश जीती रहे बहना। एक कोटी कलबदार बनी रहे, जय राम जी की जीजा राजा। संतिया, ये तुम्हारा 25 नंबर भैया बहुत ही अच्छा आदमी लगत है। दूध वाला, जा फटाफट चाय का पानी चढ़ा और फटाफट दूध की बाल्टी ले आ। दूध वाला आ गया। हाय राम, हमने तो कलाई दुखन लागी है, जा जाके भेज बाबू हैंडल प्रसाद को क्या के दूध ले ले। काहे उका तो हर देवर लागे थे, दे हमका दे। कमर तो देखो मारे की, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली। धत, दूध फेंक के मार देंगे। हाँ हम छोकरे के मुंह नहीं लगत हैं, जा भेजना बाबू हैंडल प्रसाद को। धत मरा, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है पर चवन्नी भर कम है, और ले चुन्नी, भेज दे तो हर जेठ हैंडल प्रसाद को। हैंडल काहे फूलमती? हाँ तू दूध काहे नहीं दिया? धत हमारा नाम फूलमती नहीं है, हमारा नाम पहाड़ सिंह सुरमा है। अरे वाह, नाम पहाड़ सिंह और बदन इलायची। तुम छेड़ लियो पर छोकरी ना छेड़े। अच्छा इलो। अयो अरे तेरी नाजुक कलाई पकड़ो ना, ई में 5 किलो कोठी के वास्ते और अलग से 1/2 किलो तुम्हें वास्ते। अरे जियो रे मेरे पहाड़ सिंह साबूदाना, ई लो खाली बाल्टी। अच्छा कहीं का। ओहो अरे ओ माधुरी, देयर वंस अपॉन अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, हमारी तरफ मुस्कुराए के देख। का है ए पूरी 2.5 मन की लाश को भी देख के कोई मुस्कुरा सकता है? लाश? ओ माय गॉड, मांग में सिंदूर भरने से पहले ही पूछ गया। ओ हमरी चमक छल्लो, जिस दिन हम ही हैट पहनते हैं उस दिन तो हमसे स्वीटली बात किया कर। अच्छा हम जाते हैं छुटके भैया की लैब में उनका मदद करने के बाद। तूने भी मरे अच्छी मुसीबत मोल ले ली है। अरे मुसीबत ना ही, हमने छुटके भैया को हेल्प आने का वचन दिया है, वो रामायणा में लिखा है ना, लाइफ गो पर प्रॉमिस वर ना गो। हैंडल आते हैं सरकार। हैंडल तो रखे। हैंडल आती है सरकार। सरकार जो मोहब्बत है उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। हाय रे तू तो बिल्कुल किशोर कुमार जैसे गाते हैं। बगली काट बगली, आज बुध का दिन है, हमारा व्रत है, इसक मसक बिल्कुल नहीं। सकल लेके छुचंदर जैसी तेरे साथ इससे बत। अरे हम चैया दे के आत हैं, वो नीचे कनकैया साहब आए हैं। वो कौन है? अरे पूछना काहे का, बस तू प्रेम चोपड़ा अमरीश पुरी और प्राण को एक साथ गिलास में घोड़ दे, उसे जो विलन बाहर निकलेगा उसका नाम कनकैया साहब है। पर यहाँ का कर रहे हैं? अरे साहब से पुराने रिलेशन रहे ना। आत है सरकार, आत है। अरे चैया किधर है? ईजम
आयो हैंडल है, कैसे है तू? एकदम टना टन है। आप बहुत दिनों बाद आया। अपने मुल्क में था, अभी आया। जाएगा कब? क्या बोला? चाय चाय आयो हैंडल अरे यार चाय भी चाय है, वो यार तो बड़ा सूरा लगता था। और अब क्या चलता है कंजर? फिर 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 कंजर का यार, शहर को कंजर बना देता कम्बा। वो क्या है कि अपना एड ऑफिस दिल्ली और ब्रांच ऑफिस मद्रास एंड बेंगलोर। अबे ओ चिलगोजे, तेरे बाप ने भी कभी बिजनेस किया था जो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस गिना रहा है? आयो तुम समझा नहीं कंजरा। फिर कंजर। सॉरी सॉरी, हमारा सीनियर वाइफ दिल्ली में रहता और दो जूनियर वाइफ एक मद्रास में रहता एक बेंगलोर में। अब हम मद्रास से आया, अब हम दिल्ली में रहेगा, समझा? आ लानत है यार, यहाँ एक मिसरे से परेशान है और अन्ना पूरी गजल संभाले बैठा है। आयो गजल अपना यार अन्ना अनैया आ गया। नो नो, हम तुम्हारा वही पुराना श्रीमान मालगुड़ी वेंकटेश्वर राम स्वामी अन्ना अनैया। अच्छा, वाह भाई अन्या वाह, बाड़ी तेरी कान खजूरे की ते ना तेरा अजगर जिन्ना है। आयो सोडा साहब, हमको बदनाम नहीं करने का, हम कभी इधर का बात उधर नहीं बोला, बिकॉज आई हैव नो टाइम। यार सोडा, बच्चे को तंग मत किया कर, पुराना यार है। हाय मैं मर जावा गुलू कांदे विच जहर खा के। ये बच्चा है और ये तो मेरे प्यो का प्यो है, तीन तीन तो एजेंसियां चलाता है, दिल्ली बंगलोर ते मद्रास ते हर स्टेशन पे एक जनानी। हाय हाय ओ काय को चेड़ा था हमको। अभी हम सुना तेरा चोटा लड़का बम फोड़ा, पुलिस वो आया काय को? देखा देखा देखा, आने की देर नहीं और इसका इंटर काम चालू। मैं कह रहा हूँ अन्या अपने काम से काम रखा कर। कुछ नहीं यार, बच्चों का खेल था। आयो केल केल में चौकरी का मेरा जग क्लास हुआ गया, नोटियाल का बाबी से झगड़ा हुआ और तूने अपना लगाई बुझाई वाला काम शुरू कर दिया। अब्बा अभी मैं जाता, पीछू आएगा वाड़ा काम। देखा तूने खंजर, इस पट्टे ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है यार, चाय वाय पिएगा? नहीं यार, मैं कर चलता हूँ, तेरी परजाई वेट कर रही है, कुछ काम है, है? कल मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते, जिंदा रहो पुत्र, सच्चे पातशाह की मेहर होवे। आज चाची की याद आ गई। याद तो हमेशा आती है, मगर बिजनेस में झंझट बहुत है। आओ पुत्र, आ जाए पुत्र, आ जा। शकुन पैन जी कैसे हैं? अच्छे हैं जी। और मेरे टिट्टू और हन्नी फर्स्ट क्लास। नमस्ते चाचा जी। जिंदा रहो पुत्र, जिंदा रहो। आपने मुझे याद किया। हाँ बेटा, तू भी मनीषा को बहुत प्यार करता है ना? ऑफ कोर्स, पर बात क्या? तेनू पता है पुत्र, मनीषा एक सोहनी कुड़ी नाल ब्याह करना चाहता है। कुड़ी मेरी बेखी हुई है। लव मैरिज में देर नहीं करनी चाहिए पुत्र, मेरा तेरी चाची के साथ तीन दिन डिले हो गया और अब तक लड़ती रहती है। तुसे चुप करो जी। चाचा जी, वो लड़की मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी है, सुशील है, मोगरे की कली जैसी,
मगर शादी में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, स्टेटस, हैसियत। व्हाट हैसियत? तुम अपने आप को समझते क्या हो जी? हैं? कोई भी नेक लड़की इतनी हल्की नहीं होती कि रिश्तों के तराजू में हैसियत के बाट रखकर उसका वजन बरोबर किया जाए। आखिर नु डांटते क्यों हो जी? डांटने दीजिए चाची जी, बुजुर्गों की यही तो वो दौलत है जो मेरे बैंक में नहीं। चाचा जी मुझे खुशी होगी अगर वो फूल प्रेम निवास के गुलदान में सजे, मगर मेरी अपनी एक एलीट सोसाइटी है, मुझे उस लड़की के बारे में पता तो करने दीजिए। एलीट? माय डियर, उस वक्त आपका एलीट कहाँ था जब अपने से 5 गुना ऊंची हैसियत वाली कल्याणी की मांग में आपने सिंदूर डाला था? तब आप क्या थे? सूखे जूते में पैर डालने से क्या फायदा चाचा जी, मैं उन खंडरों का साया भी मन्नू पे नहीं पड़ने देना चाहता जिनमें मैं रह रहा हूँ। मन्नू भाई नहीं, बच्चे जैसा है। काका ठीक कह रहे हैं, तसल्ली कर लेंगे हो? ठीक है, पता कर लीजिए, पर इतना याद रखिए कि खंजर और परजाई के अलावा मनीषे के एक माँ बाप और भी हैं जो उसका दिल नहीं टूटने देंगे। खंजर खानदान की लापरवाहियों की दास्तान अब और नहीं बढ़ेगी सत्ते, एंड दैट इज ऑल। चाचा जी, काश के हम तीनों भाई ममता के साए में आंखें खोलते, हवा भी चलती रहती, दिया भी जलता रहता। अच्छा चलता हूँ। जी तेरे पुत्र। आप बैठिए, मैं चला जाऊँ। देखा ना, काके को नाराज कर देता। आप भी कदे कदे बड़े रैश हो जाते हो। रैश नहीं सतना में, लेकिन ये दौलत और स्टेटस की झालर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और तुझे पता ही है कि पुल्स में रहकर हमने कितने ही चेहरों के ढकने उतारे हैं। एलीट, बड़ा एलीट का फुग्गा बनता है। बस जी। ओए सौ वाहे गुरु की, बिल्कुल ऑड्री हेपबर्न लगती है तू। हेपबर्न कौन है जी? ए हॉलीवुड में तेरी नकल चाहती ही रही कि मैं सतनाम जिड्डी सोनी लगा, पर नहीं। हाथ ना लाना, मैं नहा धो के पाठ करने चली हूँ। अच्छा तो फिर हमने भी अरदास ही करनी है। कहूंगा रब से, रब जी मेरी बेगम को मुरब्बे जिड्डा फ्रेश रखना, कभी भी नाराज ना हो मेरे से। भाई बागो बहार, अब तो आप इस नए मकान में अच्छी तरह से बस गई हैं, दो घड़ी खाकसार के साथ भी बिताया कीजिए। भाई हम सोच रहे हैं कि अब आपसे अपनी कुंडली बनवाई लें। बालों पे सफेदी फूट गई, अब कुंडली बनवाओगे? अब तो जो कुछ गिरा साथ लगे हैं उन्हीं को झेलो। समझ रहे हैं हम, सब समझ रहे हैं। आप डरती हैं कि कहीं कुंडली में शादी वादी का योग निकल आया तो बागोदा आपका क्या होगा। ओहो, इन खंडर पे ऑयल पेंट? अब तो अपनी गजल फजल पड़ा करो और हमारी आंखों के सामने रहा करो। भाई बहुत खूब है, कोई तो निकला इन पुराने चावलों का कदरदान है। अरे अम्मा ये क्या है, हमेशा पुरानी साड़ियां पहने रहती हो। अरे मन्नू के साथ जाके 2-4 नई साड़ियां ले आओ ना। भाई बाप के कुर्ते पजामे का भी किसी को ख्याल है? वो अम्मा का डिपार्टमेंट है। हाँ अगर इम्पोर्टेड सूट चाहिए तो बेटा हाजिर है, यू कैन हैव देम बाय द डजन। सूट जी? नहीं भाई, ये घोड़ों का चारजामा आप ही को मुबारक हो। भाई बात क्या है बेटे, जब आप होश में होते हैं तो माँ पे बड़ा लाड़ आता आपको, हाँ क्यों? होश में तो हमेशा रहना चाहता हूँ पापा। खैर छोड़िए अम्मा, कुछ मन्नू की शादी के बारे में भी सोचा आपने? सोचना क्या है बेटा, उस दिन वो आई थी, कोई बात ही नहीं, चुपचाप चली गई। किससे बात करती? रुबाइयों से, कुंडलियों से, या दीवार पर फेंके जाने वाले ग्लासों से? अम्मा वो लड़की बहुत अच्छी है और अपना मन्नू भी उसे पसंद करता है। तो फिर क्या, बिस्मिल्ला? बिस्मिल्ला, वैसे ही जैसी एक बार पहले हुई थी। पापा आप दोनों का भी तो कोई फर्ज है, आई मीन सोडा चाचा और चाची कमर कसे बैठे हैं शादी के लिए, मैं अभी उन्हें मिलकर आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मन्नू जैसे हमारा बेटा वैसे सतनाम और सोडा भैया का। अम्मा इस घर में बच्चे ऑर्डर देकर नहीं बनवाए गए, पैदा हुए हैं और लाड प्यार से पले हैं। अब मन्नू आप दोनों का चेहरा ही निहारता रहता है रजामंदी के लिए। आप भी तो बड़े भाई हैं, रुतबे और इज्जतदार हैं। आपका आशीर्वाद है पापा, मुझसे जो हो रहा है मैं कर रहा हूं। अम्मा लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन बुजुर्ग तो आप दोनों ही हैं। अरे बेटा इसमें बहस करने की क्या जरूरत है, तुझे जो ठीक लगे वो कर,
बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, और फिर बड़ा भाई भी तो बाप बराबर होता है। ठीक है माँ, चलता हूँ। अरे हाँ बेटा, लड़की की कुंडली जरूर लेता आई हूँ, गिरे मिलना बहुत जरूरी है, मैं बारीकी से देख लूंगी। और ना मिले तो शादी कैंसिल। तुम भी अम्मा जर्मन कालीनों पर बैठकर हिंदुस्तानी सपने देखती है, आई मीन सैटेलाइट के जमाने में ग्रह मिलाने के चक्कर में। अरे अरे क्या कह रहा है, तुझे मालूम है कि? ओके ओके डोंट गेट वाइल्ड, तुम ग्रह निकालो, हम 20-25 हजार देके मिलवा लेंगे। वो क्या शेर था? बाद में। देखा आपने? आप एक शेर सुनिए, उसी के पास है हुकूमत अब कबीले की, कि जो कबीले बदलने के फन से वाकिफ हो। अब वही क्यों नहीं करती जो बेटे ने कहा है, झमाझम साड़ियां पहनकर इन बूढ़ी आंखों में लपक पैदा करती। तो दिलवाने साथ चलिए। अरे हम काहे नाराज होंगे बेबी, हम गरीब नौकर चाकर लोग हाथ में नाराजगी की लाइनियां लेकर ही पैदा नहीं होते। तो सेंटी क्यों होता है यार, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को, बॉल जैसे भी आए प्ले करना चाहिए। आप ठीक कहती हैं, पर हमार मुकद्दर बाबी भी तो ससुरा विकेट कीपर है, सब खेलो, सब के सब खेलो, पर खुद आप सिर्फ बॉल इकट्ठी करते रहो। मतलब भैया का चल रहा है, छोटे भैया का शुरू हो गया, पर हम का इका देखो अभी तक फील्डिंग ही कर रहे हैं। शादी करना जरूरी है क्या? खतरनाक खेल है बच्ची, खतरनाक खेल। धोखे से भी ऑफ स्टंप की गलत गेंद छू जाए तो कैच, गेम फिनिश। और सही हाथ में पड़ जाए तो छक्का। बेबी शादी कोई क्रिकेट का गेम वा नहीं है, एक कंपलसरी रिलेशन वा है। कोई कंपलसरी नहीं है, आई डोंट बिलीव इट। अरे अगर हमरे आपके बाप दादा ये बिलीव ना किए होते तो हम और आप ही दुनिया में होते। देखो बेबी, हम ई घर में सारे सोर्स ट्राई मार चुके हैं, अब आप बची हैं। अब आप भी कोशिश कर सकती हैं कि हैंडल प्रसाद के एक्सल गियर आपको बुआ बुआ बुला सके। हम तो अब फेड अप हो चुके यार, तू पिन पिनाने बहुत जल्दी लगता है। वैसे क्या उम्र होगी तेरी? वो हिसाब किताब तो हमारे गांव में हमारे चाटे अकाउंटमेंट के पास है। वैसे हम मजले भैया और छुटके भैया से बड़े हैं, वैसे बैटिंग ऑर्डर देखा जाए तो हमारा टर्न पहले आना चाहिए। बेबी अगर आप हमारी शादी इसके साथ नहीं करा सकती तो इसकी शादी हमरे साथ करा दो। अरे पेशेंस वा की भी हद होती है, बाय गॉड हमरे होन वाले बच्चे हमारे सपने में आते और हमसे पूछते हैं, बप्पा हमारे आने में का डिले है, हमारे आने में का डिले है, का डिले है बप्पा। दीदी सच्ची कहो, आपका भी तो। शट अप, अपन खिलाड़ी लोग हैं, रोमांस रोमांस में बिलीव नहीं करते। अरे प्लेयर तो हम भी हैं और ना जाने कितने ओवर खेल चुके हैं, पर हमारा विकेटवा खूंटे की तरह वहीं का वहीं ठुका है। अब तो लगता है कि हम अपने गांव ही चले जाए। ऐसा मत सोच हैंडल, मैं अम्मा पापा से बात करूंगी। अरे वो दोनों तो अदर कंट्री के अंपायर हैं, कोनो मुरव्वत नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे पास एक थर्ड और फाइनल अंपायर है। कौन? बड़े भैया। ऐसी धूमधड़ाका शादी होगी तुम दोनों की के बस छक्का। पर ये छक्का के चक्कर में कहीं हमारी विकटवाई ना उखड़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता हैंडल। ओके मुझ पर भरोसा रखो यार तुम दोनों। ठीक है हम रखते हैं, भरोसा रखते हैं, पर ये भरोसा भरोसा के चक्कर में कहीं हम दोनों के दोनों बुढ़ाए ना जाए। हाय हैंडसम, आप मेरे जीजा जी ही है ना? थैंक गॉड आपने मुझे पहचाना, तो पिछले 7 दिनों में आपको पहली बार देख रही हूँ। यस स्टिल सो डैशिंग जीजू। व्हाट डू यू मीन स्टिल? क्या बूढ़ा हो गया हूँ मैं? बूढ़े हो आपके दुश्मन। एनीवे आज हमें बाहर खाना खिलाइए ना। तो मैं फिर कभी ले चलूंगा, आई प्रॉमिस। नो आज मैं इतनी बुरी भी नहीं कि आप मुझे अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस न करा सके। ये मैंने कब कहा? यू आर वेरी प्रेजेंटेबल एंड काइंड ऑफ क्यूट। लवली जीजू यू आई फील लाइक बाइटिंग योर नोज। दिल्ली यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, बिहेव योरसेल्फ। आप बड़े जरूर हैं, पर नर्सरी रैम सीखने की अब मेरी उम्र भी नहीं रही है। ऑफ कोर्स नॉट। हैव अ गुड टाइम टिल लवली डॉन। नॉटी गर्ल। अरे पगली
तेरा हमरा साथ तो जन्म जन्म का है। तो का पता है, जब से ही धरती आकाश, जब से ही चांद सितारे बने हैं, तब से हम मिलते बिछड़ते आ रहे हैं। ये कहानी सुन सुनकर तो हमारे कान पर गवाह है। हैंडल माँ जी, अरे हैंडल का जब हो गया, तुम दोनों की कुंडियों के तो सारे गुण मिलते हैं। ऐसा मेल तो बरसों बाद देखा है। अरे माँ जी, तब तो आशीर्वाद दे दिया जाए। माँ जी, वो हम घोड़ी और बैंड का अरेंजमेंट वा कर दिया है। कारण छुटके भैया छपा देंगे, कन्यादान आप कर देना और पुत्रदान सरकार कर देंगे। पुत्रदान? अरे ये क्या हुआ? होता नहीं है, हम इंट्रोड्यूस किए हैं। भाई दूल्हे की खोपड़िया पे भी तो किसी का हाथ होना चाहिए ना। एक बात समझ में नहीं आती, तेरे गिरे कहते हैं कि तू आगे जाकर सत्ते की पापा की तरह सहरी फायरी करेगा। अरे सरकार का साल्टवा खाया है माँ जी, कुछ इफेक्टवा तो होगा ही। और इस लड़की के गिरे बता रहे हैं कि आगे चलकर मेरी तरह कुंडलियां भी जानेगी, ग्रहों का ज्ञान प्राप्त करेगी। अरे आपकी सेवा जो करती है, असर तो होगा ही ना। अच्छा ठीक है, लगन पक्का, थोड़ा इंतजार कर। इधर जादू ही गवा, न तेरी कुंडली कभी बनी और ना ही मेरी, ये सब कैसे? अरे ये सब तुम्हारे हैंडल प्रसाद का कमाल है। एक कुंडली माँ जी की, एक कुंडली सरकार की, हमको मकनवा बदलते वक्त कचरे में मिली रही। बस एक पंडित को 5 रुपया देकर हम नाम पता बदलवा लिए। और लगन पक्का। तो बोल दे अपना हिंदी में वो सेंटेंस वा। ये हुई ना।